विश्व हिंदू महाशक्ति महिला संघ द्वारा दिया ज्ञापन। साली चौका क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह पहले एक महिला के साथ घर में घुसकर दो लोगों द्वारा छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस द्वारा एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी आरोपी को पुलिस ने नहीं किया अभी तक गिरफ्तार। आज विश्व हिंदू महाशक्ति संघ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती कलावती गौड़ द्वारा राधा कृष्ण मंदिर में संगठन की सभी महिलाओं को एकत्रित कर साली चौका पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाकर मुख्य रास्तों से रैली निकालकर साली चौका पुलिस चौकी में एक घंटे का धरना प्रदर्शन किया। वहीं आरोपी की मांग एक दिन में गिरफ्तार करने की बात भी कही और साली चौका पुलिस प्रशासन के खिलाफ साली चौका और नगर में नारे लगाए गए और महिलाओं द्वारा पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ये क्या मामला है जो आपने नगर में रैली निकाली पुलिस प्रशासन के खिलाफ? यहाँ पर एक लेडीज के साथ छेड़खानी हुई है और आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, अभी सभी दोनों आरोपी जो हैं लापता में हैं। पुलिस कोई प्रशासन ने अभी तक ऑप्शन नहीं उठाया है और न ही वो पकड़ाए हैं। अभी आपकी पुलिस प्रशासन से बात हुई, उनका क्या कहना है? कल तक का टाइम दिया है, बोला है कल तक अगर आरोपी नहीं मतलब पकड़ाने के लिए तो नहीं पकड़ाएंगे तो हम परसों फिर धरना पे बैठेंगे। हमें कल तक का टाइम दिया है उन्होंने। जी, आगे भी आप आंदोलन रख रहे हैं? बिल्कुल, अगर कल तक आरोपी नहीं पकड़ाएंगे हम फिर भी परसों फिर धरना पे बैठेंगे और जब तक आरोपी नहीं पकड़ाएंगे तब तक हम ये काम अपना जारी रखेंगे। धरना पे आपका परिचय? मैं गाडरवारा से कलावती ठाकुर, विश्व हिंदू महाशक्ति संघ की उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा। गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? गिरफ्तारी के सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं हमारे तरफ, पुलिस के द्वारा सभी प्रकार के जहाँ जहाँ हमें लग रहा है संभावित स्थानों पर उनकी तलाशी और दबिश दी जा रही है। जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी कर दी जाएगी।